नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्यों हमें? क्योंकि हमें मिलकर इस महामारी कोरोना वायरस को हराना है और पढ़ाई भी करनी है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कक्कू कविता पढ़ी थी, आज हम सब इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। कक्कू शब्दार्थ, माने, माने का मतलब होता है मतलब, मायने, तनिक, तनिक मतलब थोड़ा सा, चिड़ना, चिड़ता कौन है, जो बुरा मान जाता है, बुरा मानना, ठिठोली, ठिठोली का मतलब होता है हंसी मजाक करना, झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, अब इसके प्रश्न उत्तर। कक्कू, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। बच्चों, यहाँ आपको लिखना है मेरा नाम डैश है, इसमें आप अपना नाम लिखेंगे और अपने नाम का मतलब लिखेंगे। प्रश्न दो, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। प्यार वाला नाम, जो आपके मम्मी पापा दादा दादी बोलते हैं वो आपके प्यार वाला नाम होता है, तो आपको यहाँ पर अपने प्यार वाला नाम लिखना है। दूसरा, चिढ़ाने वाला नाम, जो जब आप कुछ गलत काम करते हो या आपको चिढ़ाना होता है तो दीदी भैया जिस नाम से बोलते हैं उसको चिढ़ाने वाला नाम बोलते हैं, तो इसमें आप अपना चिढ़ाने वाला नाम लिखेंगे। अंत में है दोस्तों को दिया हुआ नाम, जो आपके दोस्त बोलते हैं वो वाला नाम। अगला है, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। गप्पू, इधर उधर की बातें करने वाला, गप्पू तो उसी को कहेंगे ना जो इधर उधर की बातें करेंगे। भोली, जो सीधी सादी होगी उसको क्या कहेंगे, भोली। छुटकी, छुटकी उसको कहेंगे जिसका कद छोटा होगा, जिसकी लंबाई छोटी होगी। गोलू, जिसका चेहरा गोल मटोल होगा उसको हम क्या कहेंगे, गोलू। प्रश्न चार, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली भक्कू है। अब भक्कू कौन था भाई बच्चों, जो भड़क जाता था, तो जो भड़क जाता है, जो गुस्सा हो जाता है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। झक्कू है, झक्कू कौन है, जो झगड़ालू है, तो आपको ये बताना है आपके कौन सा दोस्त कौन क्या है, झगड़ालू है। गप्पू है, जो बहुत सारी बातें करता है, उस बच्चे उस दोस्त का नाम आप लोग गप्पू के सामने लिखना है। प्रश्न पाँच, अब कविता का समय, कविता आपको पूरी करनी है बच्चों यहाँ पर। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना भाए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। आप इसको पूरा करेंगे बच्चों। आगे, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। बच्चों, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं था, क्योंकि कक्कू दिन भर रोता रहता था, उसकी आवाज़ भी मीठी नहीं थी, उसे गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो कोयल जैसा नहीं था, क्योंकि कोयल जो है वो कभी रोती नहीं है, उसकी आवाज़ भी मीठी होती है और उसको गाना भी बहुत अच्छा लगता था। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, अब हम आगे की वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखना, घर से बाहर मत निकलना, साफ सफाई का ध्यान देना और हमेशा हाथ धोते रहना। अच्छा, नमस्कार।